सो हेलो वेलकम गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज गाइस मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, जो रेड लाइट एरिया होता है उसमें लड़की किस तरीके से जाती है, क्या क्या काम होते हैं, कैसे कैसी मुसीबतें आती हैं, वो सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊँगा। और गाइस जो इसके ऑनर हैं उनका कहना है कि मैं रेड लाइट एरिया से लड़की को लाके रेड कारपेट पे रखने की जिम्मेदारी लेता हूँ। तो उस माध्यम से ये पूरी वीडियो को दिखाया गया है कि किस तरीके से वहाँ लड़की जाती है, क्या मजबूरी होती है, किस तरीके से लोग उनको टॉर्चर करते हैं, कैसे कैसे उनके साथ मतलब मुसीबतें होती हैं। तो इस माध्यम से मैं ये ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग देखें और देख के आप लोगों को थोड़ा मतलब लगे कि हाँ यार सच में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, कोई भी अपने मन से या दिल से या अपनी मर्जी से इस काम में नहीं जाता है। तो इस माध्यम से मैं ब्लॉग को आपको दिखाऊंगा और आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगेगा। और ब्लॉग जब अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दिखाता हूँ मैं गाइस। तो गाइस ये जो आ रहे हैं ये ही हैं इस रेड लाइट एरिया के मतलब ओनर, मतलब ये हैं वो कि इन लड़कियों को सही राह पे लाने की कोशिश में हैं। काफ़ी पैसा इन्होंने इस चीज़ में खर्च किया है और ये दोनों ही इस चीज़ के ओनर हैं, रेड कारपेट पे लाने की कोशिश में है ये। देखे गाइस उसी तरीके से ये हरकत कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, और ये इधर जो गर्ल्स खड़ी है वो भी देखो सेल्फी ले रही है इस तरीके से, मतलब बिल्कुल वैसे ही जो होता है वहाँ जो रेड लाइट एरिया में जो लड़कियाँ खड़ी होती हैं वो जिस तरीके से करती हैं उसी तरीके से हो रहा है ये, मतलब माध्यम से दिखाया जा रहा है कि इस तरीके से वहाँ होता है ऐसा। तो देखो और ये देखें गाइस, मतलब ये लड़की है, इसके साथ वो लड़के हैं, मतलब वो गए होंगे वहाँ पे। अब ये देखो बैठ गए वहाँ पे। अब ये उसी तरीके से बिल्कुल ये ड्रिंक मांग रही है कि नशा पानी के लिए कुछ, तो उस तरीके से जो वहाँ होता है सेम पैसे से, तो वो ही हो रहा है। और उसी तरीके से इनकी हरकतें, मतलब ये वहीं का सेम जैसा होता है वहाँ उस तरीके से ही दिखाने की कोशिश में हैं कि हाँ ये मतलब मजबूरी में करते हैं, किस तरीके से करते हैं। और पूरा लाइट भी आप देख सकते हैं, पूरी राइड राइड है पूरी लाइट, और वो लड़के हैं पीछे, लड़कियाँ हैं, और ये भी अपना मतलब जो भी है दिखाने की कोशिश में है कि हाँ इस तरीके से ऐसा कुछ होता है। पूरा उधर अपना वो कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, एक दूसरे से लड़कियां भी फ्लर्ट करती हैं इस तरीके से, और मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो आपका भाई है बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत करता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग देने के लिए बहुत कोशिश करता है कि बेहतर से बेहतर आप लोगों को ब्लॉग दिया जाए। बट गाइस सपोर्ट
उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है जिस तरीके से मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, मेहनत करता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, और पूरा प्रोग्राम है ये, मैं आपको पूरा प्रोग्राम दिखाऊंगा। सेम देखें गाइस, वैसा ही हो रहा है जैसा वहाँ होता है, इस तरीके से दिखाने की कोशिश में है। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगता होगा, देखते हुए भी बहुत अच्छा लगता होगा। बट गाइस, आप दिल से फील करें और सोचें, मतलब इस तरीके से वहाँ होता है और इनकी क्या मजबूरी होती है जो इस तरीके से मतलब वहाँ काम किया जाता है। तो आप देख रहे हैं गाइस, दो लड़के हैं, लड़की है, फिर वहाँ पे सेम बिल्कुल वैसा दिखाने की कोशिश में है कि जैसा रेड लेन एरिया में लड़कियों के साथ मतलब होता है, और इनकी क्या मजबूरी होती है वो भी सब इसमें दिखाया जा रहा है। तो आप मतलब देख रहे हैं, और आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगता होगा, और अच्छा लग रहा है जब यहाँ तक आपने देख लिया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो गाइस, ताकि सबको पता लगे। और देखें गाइस, और भी दिखाता हूँ मैं। इन लोगों का जो है ना गाइस, अब लास्ट हो गया है, और ये मॉडल हैं, क्योंकि इन्होंने बस दिखाया है इस तरीके से होता है, इनका लास्ट हो गया है। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये रेड लाइन एरिया वाला अच्छा लगा होगा और समझ में आया हो तो कमेंट करो, पर गलत मत सोचना। जो भी था आप लोगों को दिखाने के लिए था कि किस तरीके से लड़की इस लाइन में जाती है, तो उस कॉन्फ्रेंट में उन्होंने मतलब दिखाया था। ठीक है, इस ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।